वेलकम बैक टू माई फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे शाही इमाम के ऊपर कि डॉक्टर इसराइल के बारे में क्या बोले, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही। फिर कुरान पाक ने कहा कि नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज मुत्तकी आया कुरान पाक में। दूसरी मर्तबा फरमाया नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी अच्छे बंदे को कहते हैं, मुत्तकी नेक बंदे को कहते हैं, मुत्तकी शरीफ बंदे को कहते हैं, मुत्तकी दयानतदार को कहते हैं। आप मुत्तकी किसको कहते हो? जिसकी शक्ल मुसलमानों जैसी हो। लेकिन कुरान ने कहा मुत्तकी वो है जो अपनी माँ का कहना मानता है, मुत्तकी वो है जो अपने बाप के आगे नहीं बोलता, मुत्तकी वो है जो मियां बीवी में सुलह रखता है, मुत्तकी वो है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, मुत्तकी वो है जिसका पड़ोसी उससे राजी है। अगर ये पांच बातें मुत्तकी में नहीं है, वो दुनियादारों के लिए जितना मर्जी अच्छा बनता रहे वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। आपने क्या समझा कि नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में आके अल्लाह राजी हो जाएगा? पूरी कायनात के जितने भी लोग कायनात में बसते हैं एक वक्त में ही सजदा करते हैं एक साथ कि हमने अल्लाह को, हमने ईश्वर को, हमने अकाल पुरख को, हमने उस रब को जिसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं तमाम आलम का पालनहार हूं, एक वक्त सारी कायनात के लोग सजदा कर दें तो उस खुदा की खुदाई में एक रत्ती का इजाफा नहीं कर सकते। फिर सारे ही मुनकिर हो जाएं, सारे ही अगर मुनकिर हो जाएं तो खुदा की खुदाई में एक रत्ती की कमी नहीं कर सकते। तो पता लगा नमाज अल्लाह इसलिए तो नहीं पढ़वा रहा कि अल्लाह ताला ने नौजबिल्ला अपनी वावा तुमसे करवानी है। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे महबूब को जो लोग मानने वाले हैं वो अच्छे बन जाएं। सही बात है। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, जिन्होंने ये वादा किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ, जिन्होंने ये कलमा कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, जिन्होंने कहा कि हमने गवाही दी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जिन्होंने कहा कि हमने ये गवाही दी है कि मोहम्मद के लिए जान निसार है, जिन्होंने कहा कि गवाही देते हैं कि मोहम्मद के अलावा कोई खातिबुन नबी की नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि जो गवाही देने वाले हैं इनका किरदार अच्छा हो, इनका लबो लहजा अच्छा हो, इनकी आंखें अच्छा देखें, इनकी जुबान अच्छा बोले, इनके कदम अच्छे उठें, इनका कारोबार हलाल का हो, तभी तो नमाज फर्ज की। नमाज की बात करते हो, नमाज के मकसद की बात क्यों नहीं करते हो? नमाज के साथ वजू की बात करते हो, नमाज की अंदर की जो तहारत है, जिस्म की जो पाकीजगी है, फिर उसकी बात क्यों नहीं करते? नमाज के साथ चेहरा धोने की बात करते हो, नमाज के साथ दिल धोने की बात क्यों नहीं करते? हमने क्या समझा कि सिर्फ नमाज इसलिए कि हम मस्जिद में आएंगे और लोग कहें नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज में रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं, नमाज में दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं, नमाज में गुंडागर्दी अल्लाह को पसंद नहीं। और अगर कोई बंदा नमाजी भी हो, अब उसे मस्जिद में आता हो, मस्जिद में आने के बावजूद उसको मकसद नमाज याद ना हो, नमाज का मकसद याद ना हो, नमाज पढ़ी क्यों जाती है? आपको पता है कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, रसूलुल्लाह ने भी कहा नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज से अल्लाह की मदद आएगी, नमाज से दुख दर्द दूर होंगे, नमाज से नफरत खत्म होगी, नमाज से दिलों में नरमी पैदा होगी। वो कौन से नमाजी हैं जो मस्जिद में आते हैं दूसरे नमाजियों को गाली देते हैं? वो नमाजी है?
वो कौन सा नमाजी है जो मस्जिद में आता है दूसरे नमाजियों को हकारत की निगाह से देखता है? वो कैसा नमाजी हो सकता है जो मस्जिद में नमाजियों के साथ उनकी दिल आजारी करता हो? ये कैसी नमाज हो सकती है जो बच्चों को मस्जिद में आने के इजाजत ना देती हो? ये कैसी नमाज हो सकती है जो कंधे से कंधा मिलते हुए आपस में किसी को तकलीफ में सहस होती हो, जिनको मकसद नमाज याद नहीं, अभी तक उनकी नमाज हो ही नहीं रही है? अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी अच्छा बोले, अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी हराम ना खाए, अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी की आंखों में शर्मो हया हो, अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी की गुफ्तगू में नापाकी ना हो, अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी का दिल बिल्कुल पाक रहे, अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी दूसरों की मदद करने वाला हो। क्यों? क्योंकि नमाजी जो बना दिया है इसको, इस पर अल्लाह ने जो करम जो कर दिया है। आज कितने लाखों करोड़ों लोग जुमे की नमाज में बैठे हुए हैं और फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो सड़कों पर फिर रहे हैं, तो क्या अल्लाह ने इन पर करम नहीं किया? जिनको अपने घर तक बुला लिया, अल्लाह ने पसंद किया है। मजलिस एहरारे इस्लाम हिंद के रूहे रवां अमीर शरीयत मेरे परदादा रईसुल एहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जिगरी यार मजलिस एहरार के रूह रवां अमीर शरीयत सैयद अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्ला अलैह, किसी ने जाके पूछा शाह जी कि मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। किसी ने कहा शाह जी मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। थे ना सैयद अल्लाह तुबारक व तआला के कामिल वली थे, उस बच्चे के दिल पे हाथ रखा, फरमाने लगे ओ नहीं पुत्रा, ये गल नहीं कि तेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, मस्जिद वाला तुझे मस्जिद में बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मकसद नमाज को कुरान पाक के जरिए अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ठीक है, अब आप ये देखें, जमात की नमाज, नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे, जमात की नमाज क्यों? ताकि ये नमाज आपको आपस में जोड़ती है, आपस में मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाने का दर्स देती है। नमाज तो रात को छुपके बंदा अपने घर में भी पढ़ सकता है और इससे ज्यादा सवाब है उसका। सही बात है, तहज्जुद की नमाज का सवाब इससे ज्यादा है, रात को छुप के अपने घर में भी पढ़ सकता है। लेकिन क्यों फजर में मस्जिद में आता है, जोर में क्यों आता है, असर में क्यों आता है, मगरिब में क्यों आता है, ईशा में क्यों आता है, जुमे को इतना अजीमुशान मजमा क्यों लगता है, ईद को क्यों लगता है? क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि इनमें आपस में खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था हो, ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझने वाले हों, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होने वाले हों। है कोई ऐसी खूबसूरत इबादत जो ये कहती हो ये नमाज नहीं है? देखो, नमाज में जब बंदा आता है ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाता है। पहली सफ में अगर कोई गरीब आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई पल्लेदार आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई मजदूर आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में कोई गरीब कोई काला खड़ा हो जाए, पहली सब में कोई फटे हुए कपड़ों वाला आके खड़ा हो जाए और नमाज तैयार हो जाए, मस्जिद का सदर देर से आए तो कहां पीछे, और अगर ज्यादा नमाज शुरू हो जाए बरामदा भी भर जाए, कोई बड़ा चौधरी अगर आए तो कहां नियत बांधे, बरामदे से भी पीछे, और अगर फिर मस्जिद का सेन भी भर जाए, जुमे का दिन हो, कोई बड़ा मुसलमान बहुत बड़ा कोई अफसर लग गया हो, कोई मुसलमान बहुत बड़ा वजीर बन गया हो, कोई मुसलमान कोई बहुत बड़े रुतबे पे पहुंच गया हो, कोई मुसलमान वक्त का शेखुल हदीस हो, कोई मुसलमान वक्त का कोई बहुत बड़ा मुजद्दिद हो, और अगर सबसे देर से आएगा तो कहां नमाज पढ़ेगा? जहां पर रसूलुल्लाह के उम्मतियों ने, जहां पर मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं, ये उस जगह खड़ा होकर नियत बांधेगा, क्योंकि ये अल्लाह की कायम करदा नमाज है, ये रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की गर्दनें फलांकता हुआ आगे तक आ जाएगा। आपने क्या सोचा नमाज सिर्फ इबादत है? नमाज मुसावात का पैगाम है, नमाज मोहब्बत की अलामत है, नमाज ऊंच नीच को खत्म करने का ऐलान है,
नमाज गोरे और काले को एक सब में खड़ा करने का इजहार है, नमाज बड़े और छोटे की तमीज को खत्म करने का जरिया है, नमाज अमीरी और गरीबी को खत्म करती है, नमाज खुदा के हुजूर सबको एक जैसा बनाकर पेश करती है। आपने क्या समझा कि सिर्फ पांच वक्त की नमाज एक रस्म अदा करना, ये रस्म नहीं, ये वो ताकतवर रिवायत है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखा। ये वो ताकतवर रिवायत है जो जब हरम में अदा होती है तो रंग और नस्ल के भेदभाव खत्म होके दुनिया के 200 मुल्कों के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ये वो ताकतवर रिवायत है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंचते हैं तो फिर सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले होते हैं, इनमें कोई गोरा काला पीला नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम एजाज। पहले शेर में नमाज की अहमियत बताई, कहने लगा अगर मैदान जंग में भी नमाज का ऐलान आ गया, मुअज्जिन ने अजान कर दिया तो बस किबले की तरफ मुंह करके बस सजदा कर दिया, मुसलमानों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, फिर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो बादशाह हो जा फिर बादशाह को जूती पहनाने वाला मुलाजिम हो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहता बस जब अल्लाह के हजूर आते हैं ना, जब ये मुसलमान मस्जिद में आते हैं, जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने मस्जिद में आते हैं ना, फिर इनके कंधे के साथ अगर कोई बादशाह खड़ा है उसके आगे उसका मुलाजिम खड़ा है, उसके आगे कोई गवर्नर खड़ा है, उसके आगे कोई चपरासी खड़ा है, उसके आगे कोई और मुलाजिम खड़ा है। कहता जब ये अल्लाह के हजूर आ जाते हैं ना तो बस फिर एक ही सब में खड़े हो जाते हैं, फिर कोई इनमें ऊंच नीच करने वाला नजर नहीं आता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो बंदा ए साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कहने लगा कि अल्लाह के ताला का ऐसा निजाम है, रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज दी है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, फिर बादशाह भी और फकीर भी, जो बंदे को नवाजता है वो भी, और जो उसका मुलाजिम है वो भी, जो हाकिम है वो भी, जो गरीब है वो भी, अमीर है वो भी, सारे ही एक सब में खड़े हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत नमाज है। आपने क्या समझा कि चंद रकातों का नमाज नमाज है, नाम नमाज है? नहीं नहीं, अपने अंदर इंसानियत की तब्दीली लाने का नाम नमाज है, अपने आंखों में शर्मो हया को पैदा करने का नाम नमाज है। और ऐसी नमाज क्या फरमाया प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने क्या कहा, मुसीबत आ गई, परेशानी है, दुख है, दर्द है, फरमाया लोगों से क्यों मदद मांगता है, चल अपने रब से मदद मांग। अगर तू नमाज पढ़ के अपने रब से मदद मांगेगा तो अल्लाह की मदद आके रहेगी। नमाजी के लिए कितनी प्यारी बातें कर दी, फरमाया नमाजी है अच्छा किसी का दिल ना दुखाना, नमाजी है किसी पर बोहतान ना लगाना, नमाजी है किसी बेटी के साथ जिना का इरादा ना करना, नमाजी है किसी की जगह पर नाजायज कब्जे का प्लान ना बनाना, नमाजी है किसी की ठगी ना मारना, नमाजी है कौम के अंदर मुनाफकत ना फैलाना, नमाजी है लोगों को धुतकारना नहीं है। इतनी सिफतें नमाजी को अता की, वो अब नमाजी को पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ वजू पे और पजामा टखनों से ऊंचा करने पर ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा अमल जिसको अल्लाह ने आपके लिए पसंद किया, ऐसा अमल जो तोहफे में मिला हो, ऐसा अमल जो कामयाबी की अमानत हो, ऐसा अमल जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अमल जो दुख दर्द को परेशानियों को आसानी में तब्दील कर देता है, तभी तो बात है कि आज तक जो भी लोग जिनकी नियत इखलास के ऊपर रही अल्लाह ताला की मदद उनकी तरफ आती। नमाजी भी तो कई तरह के हैं ना, कई सिर्फ रियाकार हैं,
डॉक्टर इसरार साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगे अगर कोई बंदा सजदा करता है ना, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, फरमाने लगे कि जब कोई बंदा सजदा करता है ना और फिर तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह पढ़ते पढ़ते जब कोई और आ जाता है उसके कमरे में या मस्जिद में जहाँ वो नमाज पढ़ रहा है, उसको पता लग जाता मेरा बेटा आया, बीवी आई, बच्चे आए, दोस्त आए, तो सजदा लंबा कर देता है। फरमाया जब तक तो दयानतदारी से अल्लाह के आगे सजदा करता था तब तक तो ये सजदा था, अब लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, अब ये शिर्क हो गया है। नमाज दिलों की पाकी का नाम है, नमाज इंसान में तब्दीली लाती है। अगर कोई बंदा, लिख लीजिए दिल की तख्ती पर ये बात लिख लिए, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आप किसी को गाली दे रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप कोई भी गुनाह करते हैं, तो मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपकी नमाज नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है, नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है, नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है, नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अपने रब और रसूल तक ले जाए, नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको कामयाबी की जमानत दे दे, नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको इज्जत अता कर दे, नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अल्लाह ताला का महबूब बंदा बना दे। तो इसलिए नोट कर लीजिए कि अगर नमाज के बाद भी दिमाग में खुराफात आ रही हैं तो नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है। कैसे पढ़नी है जी, और अच्छी तरह। आप लोग इमाम साहब कितना अच्छा से समझा रहे थे वीडियो के माध्यम से कि नमाज के बारे में, कि लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो अगर अपने घर वालों को देख लेते हैं, सामने अगर आ जाता है कोई तो नमाज के मतलब और लंबा पढ़ने लगते हैं, और लंबा कर देते हैं, तो इसके मतलब वो गलत कर रहे हैं, मतलब बताए हैं वीडियो के माध्यम से। तो सच में कितना अच्छा लग रहा था कि भी बताए हैं कि अगर नमाज पढ़ते समय अगर आप पढ़ के मतलब उठ रहे हो तो किसी के खिलाफ मतलब किसी के लिए अगर आपकी नज़र गंदी हो जाती है, मतलब किसी गलत तरीके से ताकते हो, किसी के साथ अगर गलत व्यवहार करते हो तो नमाज कबूल नहीं होती है। तो सच में एक एक चीज़ मतलब बताते हैं तो कितना अच्छा से समझ के आता है, सामने उभर के आता है। तो इससे क्या होता है इस वीडियो से कि मुस्लिम भाई लोग जितने लोग नमाज अगर पढ़ते हैं तो इससे थोड़े से बहुत सावधान हो जाएंगे कि ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे, नहीं तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत प्यारा लगा वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा ये वीडियो आप लोग के कैसा लगा कैसा नहीं, तो हमको भी समझ में आएगा, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो के माध्यम से, बहुत प्यारा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।